Eid ul Adha is around the corner and I have done preparation for this. Let's get into this video. ज्वेलरी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लॉन्ग टेसल इयररिंग्स हैं सिल्वर कलर में, बड़े फैंसी, बहुत ही स्टनिंग से रहे हैं। लाइक लुक एट दिस डिज़ाइन, कितने खूबसूरत हैं ये। लाइक इनको देखते साथ ही मेरे पे दिल आ गया। तो और सेकंड नंबर पे ये कलर के इयररिंग्स हैं। सेंटर पे जो बॉडी है ये कॉपर कलर की है, बल्टी बेट्स से लगे हैं, ये किसी भी ड्रेस के साथ आराम से चल सकते। तीसरे नंबर पर ये छोटे से मैंने इयररिंग्स लिए हैं स्टार टाइप है, और ये बड़े डिफरेंट से बड़े प्यारे से इयररिंग्स हैं। ब्लैक फ्लावर है और नीचे इनके बीट्स लगे हुए हैं, पर्ल्स छोटे छोटे से लगे हुए हैं, और इन पे ये एक लॉन्ग रॉब्स हैं, एक फ्लावर एक लीव बना हुआ है। और ये तो फॉर्मल और कैजुअल वेयर के लिए बहुत ज़बरदस्त लगेंगे, लाइक ये आप जीन्स वगैरह के साथ भी वेयर कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट मैंने हर तरह के डिज़ाइन ले लिए, और ये आई थिंक किसी भी ड्रेस के साथ ये बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा, फिर ये मैंने लैशेज भी ले लिए, और ये लैशेज के साथ तो ग्लू भी मस्ट है। और ये बैंगल्स मैटर के हैं और वेलवेट कोटिंग हुई है, और ये आई थिंक किसी भी ड्रेस के साथ बहुत फिट बैठेंगी, क्योंकि ये मल्टी कलर के हैं तो ये किसी भी ड्रेस के साथ आराम से जाएंगी। और एक मेरा पिंक और पीच कलर में एक ड्रेस है वो उसके साथ ये जाएंगे, और एक रेड कलर का है उसके साथ भी मैंने बैंगल्स ले लिए थे। महंगा कुछ मैचिंग होना चाहिए और कुछ कलरफुल, ताकि हर ड्रेस के साथ ईजिली मैं वेयर कर सकूँ। और अच्छा जी, अब आती है कपड़ों की बारी। ये रस्ट कलर का था, ये मैंने ताना बाना से लिया है, टू पीस ड्रेस है, और ये स्टिच्ड है और चिकनकारी आपको पता है ये बहुत आजकल चल रही है, हर ब्रांड ने इंट्रोड्यूस की है। इसके घेरे और बाजुओं पे चिकनकारी हुई है, और फ्रंट पे जो साड़ी है शर्ट वो फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, और बैक इसकी प्लेन है, साथ इसके ट्राउज़र है, और ट्राउज़र के नीचे इसके प्लेट्स पड़े हैं। अंडा जो है साथ लिया है और कलर करवाया, मैचिंग किया, मैचिंग की लेस लगवाई है, तो अंडर मेरा से 5000 का ऑलमोस्ट ये मुझे ड्रेस पड़ गया है। अच्छा, और ये मैंने दूसरा ड्रेस लिया है मेहरून कलर का, ये भी एम्ब्रॉयडर्ड है, इस पे भी फुल कढ़ाई हुई है, बाजू और उसके दामन पे भी कढ़ाई हुई है, और बड़ा ही सिंपल सा एलिगेंट सा ड्रेस है। मतलब आप इसको ईद पे भी वेयर कर सकते हैं, और किसी छोटे मोटे फंक्शन में भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल सा है, और मज़े की बात यह है कि इसके पॉकेट्स भी हैं जो कि, और पॉकेट के फ्रंट पे भी इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई है, और ये बैक से इसका प्लेन है बिल्कुल। ये भी टू पीस ड्रेस है, स्टिच लिया था मैंने, और इसके साथ जो दुपट्टा है वो मैंने खुद बनवाया है, ये भी ऑलमोस्ट 5000 का मुझे पड़ा है। ये ड्रेस भी ताना बाना का है, और ये मुझे 20% ऑफ में मिला था, बट अभी थोड़ा फाइनल होने वाला है इसलिए मैंने आपको वेब को दिखाया नहीं है। हाँ जी, तो बारी आती है माई मोस्ट फेवरेट ड्रेस की, जो कि मैंने बड़ा सोच समझ के लिया, नू के ना नू बड़ा सोचा था, लेकिन फिर मैंने कहा फाइनल चले ले लेते हैं। अभी आपको आगे मॉडल की पिक्चर भी दिखाऊंगी कि कैसा दिखता है। और ये एक लॉन्ग ड्रेस है, बिल्कुल ये लॉन्ग ड्रेस है, और कलर मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है ये। ये मैंने लाम्स ऑर्डर करवाया था, गार्नेट ब्रांड का है ये, और ये बेबी पिंक कलर में, और इसमें ब्लॉक ओवरऑल ब्लॉक प्रिंट हुआ है सारा इस पर, और इस पर प्लेट्स भी पड़े हैं, और काफ़ी अच्छा इसका फ्लेयर है, बहुत मज़े का फ्लेयर। तो फिर तो फ्लेयर वाले कपड़े वैसे मुझे बड़े पसंद है, और ये ड्रेस और ये कलर फिर इसका लंबा फ्लेयर है, और फ्लेयर वाले कपड़े तो वैसे मुझे बड़े पसंद है, तो ये तो बनता था। ये ऑलमोस्ट मुझे ड्रेस पड़ा है 6000 प्लस का पड़ा है। बाकी बाजू और घेरे पे भी इसकी लेस लगी हुई है, और गला जो है इसका लॉन्ग भी है, और गले पे इसके बटन्स लगे हैं बहुत प्यारे से, जो इसके कॉम्प्लीमेंट करते हैं इसके ड्रेस के ऊपर। बड़ा डिसेंट सा सटल सा डिज़ाइन है, इसको आप ना सिर्फ ईद पे बल्कि छोटे मोटे फंक्शन पे भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। इसके साथ जो ट्राउजर सिगरेट पैंट ट्राउजर है, इस पर भी ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है, इसके साथ दुपट्टा आया है, और इस पर भी ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है। हाँ जी, जो ये ओवरऑल इसकी लुक है, तीनों के तीनों मेरे बहुत फेवरेट है ड्रेसेस है। तो ये ओवरऑल तीनों ड्रेसेस की लुक है। अब बारी आती है शूज़ की। उनजी लंडन से मुझे ये शू रिसीव हुए हैं, मैंने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन शूज़ ऑर्डर किए हैं, तो मैं थोड़ा थी कॉन्शियस कि पता नहीं कैसे होंगे, साइज़ पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शूज़ भी साइज़ भी परफेक्ट आया, और जो उसकी क्वालिटी है वो तो जाहिर है, डेफिनेटली उसकी उनजी का ब्रांड है तो वो तो होनी तो बहुत अच्छी है, और ऊपर से बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत कम्फी हैं, और इसका डिज़ाइन बहुत ही एलिगेंट सा है। इवन ब्लैक मैंने इसलिए सेलेक्ट किया, ब्लैक मेरे पास था लेकिन उसकी बहुत लंबी हील थी, क्योंकि इतनी लंबी हील आप यूजुअली कैरी नहीं कर रहे होते, आप ज़्यादातर वेडिंग्स में या किसी फंक्शन पे आप जाते हैं, लेकिन ईद पे आप ज़्यादा कोई मीडियम हील हो तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ये बड़ी परफेक्ट हील है, इसलिए फिर ये मैंने सेलेक्ट किया। और ब्लैक है, ब्लैक तो हर एक के साथ यू नो आपको पता है चलता है, बड़ी क्लासिक से लुक आती है। और दूसरा ये मैंने ब्रांड फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, फॉर एवर ब्रांड, ब्लैक एंड वाइट के स्ट्रिप्स हैं इस पर, और इसकी ब्लॉक हील है, 2.5 इंच की हील है इसकी। इस वक्त मैं सारी ऐसी ली हैं, सारे ऐसे कलर्स लिए हैं जो हर ड्रेस के साथ इजीली जा सकें, ताकि क्योंकि बड़ा मसला होता है भाई कि जब भी कोई फंक्शन पे जाना हो या कहीं बाहर जाना हो या कोई दावत पे जाना, तो आपको एग्जैक्ट जो आपको चाहिए होती है वैसे आपको मिल नहीं रहती। जो तीसरा है वो मेरा स्टाइलो का है, दो जो हमारे पास हो गए हैं वो सॉलिड कलर में हो गया, वाइट एंड ब्लैक में, और जो तीसरा ये बड़ा मजे का कलर, मैं आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ।
ये बड़ा समरी सा कलर है, बड़ा वाइब्रेंट और समरी सा कलर है, मतलब ये ऑरेंज और येलो इसका कलर है और ब्लॉक हील है इसके साथ। जब ये बड़ी मजे की इसकी लुक है, मैंने इसको पहन के देखा है ऑलरेडी, तो बड़ी ही क्लासिक सी इसकी लुक आ रही है, बड़ा समरी वाइब दे रहा है और इसकी ब्लॉक हील है। ये रही मेरी ईद की शॉपिंग। So I hope you are as excited as I am about this Eid haul. And if you like this video, then do not forget to like, subscribe and share this video.